आज हम देख रहे हैं शेवरोलेट तवेरा का इंजन 2.5 लीटर डीजल के साथ आता है। इसमें टर्बो भी आता है। कि आप देख सकते हैं इसमें पहले टर्बो आता था, टर्बो गाड़ी है। और इसमें आप अभी देख सकते हैं, नोटिस कर सकते होंगे, तो ये देखिए एसी की पुली दी है, एक्स्ट्रा की पुली, एसी कंप्रेसर। ये जो देख रहे हैं ये जो पुली है ये एसी की पुली है, और इसके ऊपर ठीक फिट ऊपर आया है ये रेडिएटर फैन, और ये अल्टरनेटर और ब्रेक मास्टर सिलेंडर, ब्रेक फ्लूड ऑयल। ये ब्रेक मास्टर सिलेंडर है, यहाँ पे ब्रेक फ्लूड डलता है और यहाँ से ब्रेक कंट्रोल होता है। जब ड्राइवर ब्रेक प्रेस करता है तो यहाँ से जो फ्लूड है वो प्रेशराइज होकर सारे ब्रेक के पाइप्स में जाता है और ब्रेक एक्चुएट होता है। और फिर आता है ये बैटरी, इसके बाद आते हैं हम, ये हमारा डीजल फिल्टर गाड़ी का। इसको ऐसा ओपन करके, जब कोई कभी कभी एयर पकड़ लेती है तो इसको ओपन करके दो तीन बार प्रेस करने के बाद यहाँ से डीजल वापस से पंप कर सकते हैं। बस तो आप देख रहे हैं टाटा सुमो गोल्ड का शॉकअप गया है, फ्रंट का शॉकअप, उसका आज रिपेयरिंग देख रहे हैं। द बुश इज कटेड, बुश कट चुका है, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं छपरे में डिस्क रही है, पांच लेग नट वाला स्टब एक्सल, डिस्क ब्रेक, ये डिस्क रोटर, डिस्क पैड, डिस्क कैलिबर, ये शॉकअप पूरी तरह से, इसका जो बुश है वो पूरी तरह से टूट चुका है। और इसके ऊपर और थोड़ा चेक करना बचा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बॉल जॉइंट भी कट चुका है। इससे जितना भी नट पे जंग वगैरह लगा होगा या जो भी नट जाम हो गया होगा उससे आसानी से निकल सकता है ये स्प्रे लगाने से। वो तो कट गया है पूरा, कुछ नहीं होता, यहाँ माल भर देंगे, यहाँ गड्ढे में उसको हथौड़ी मार के चिपका लेंगे, यहाँ वेल्डिंग मार देंगे, खत्म।